वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 498A के केस में एविडेंस को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है। 498A पत्नी के द्वारा दायर किया जाता है कि पति और उसके घर वालों ने मेरे साथ क्रूरता की है। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि पत्नी की डेथ भी हो जाती है और पति और उसके घर वालों के ऊपर 304B IPC का मुकदमा भी दर्ज हो जाता है, यानी कि दहेज हत्या का मामला दर्ज होता है। कई बार ऐसे मामले सत्य होते हैं और कई बार पत्नी की किसी और कारण से मृत्यु हो गई लेकिन उसके घर वालों ने ये कह दिया कि ये दहेज हत्या है और ऐसे में पति फंस जाता है। ऐसे मामले में 304B इसके साथ साथ 498A भी लगा होता है। 498A में जो क्रूरता बताई गई है उसको साबित करने के लिए कुछ साक्ष्यों की ज़रूरत होती है। 304B में डाइनिंग डिक्लेरेशन, इसमें आता है कि मृतक ने जाते जाते जो बयान दिए, मृतक व्यक्ति ने जाते जाते जो बयान दिए उसे 304B में यूज़ किया जा सकता है कोर्ट में ट्रायल के दौरान। अगर ऐसा हो कि 304B में पति और उसके घर वाले मुक्त हो जाएं और रह जाए 498A, तो मृतक के बयान भारतीय साक्षी अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत यूज़ की जा सकती है, लेकिन ये दो शर्तों के अधीन होगा। पहली ये कि ये सवालों के घेरे में आना चाहिए कि मृत्यु कैसे हुई, साथ ही प्रोसिक्यूशन को ये दिखाना होगा कि 498A IPC के संबंध में स्वीकार किए जाने वाले सबूत मौत की परिस्थितियों से संबंधित होने चाहिए। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के निर्णय की पुष्टि की, जिसमें केरल हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के निष्कर्ष को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता को 304B IPC में बरी कर दिया और 498A के केस में व्यक्ति को सजा हुई। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।